हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। इस तरह माय फ्रेंड आप कर सकते हो, स्टार्टर फीड दही के साथ मिक्स कर भी दे सकते हो और दही के बिना। स्टार्टर फीड माय फ्रेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप देना चाहते हो तो किसी भी, अगर आप जैसे इसमें मैंने कर्ड रखा है दही और इसमें मैंने सूखी फीड डाली है, अगर आपका डॉग पानी के साथ लेता है तो भी आप दे सकते हो। अगर आपका डॉग सूखा खाना पसंद कर सकता है, क्योंकि ये फीड जब खाएगी ना, ये नीचे गिर गया, गंदा हो गया, ये लगाओ तो बाद में वो दही पी लेगा। या पानी डाल दो लिक्विड, ये देखो है, ये वाला आ गया। तो इस तरह बहुत ज़रूरी होता है, आप अपने जब भी घर में पप्पी लाओ तो थोड़ा उसकी हैबिट कह लो या कह लो उसके ज़रूर समझो कि उसको किस तरह खाना ज़्यादा पसंद है। कुछ डॉग पानी के साथ खाते हैं, पानी भी अच्छा प्योरीफायर साफ पानी होना चाहिए। कुछ दही के साथ लेना पसंद करते हैं, लेकिन पानी या दही अगर देना है तो ठंडा नहीं होना चाहिए। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, कुछ डॉग सूखा खाना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे फीड पेट में जाएगी उसके बाद डॉग को नॉर्मली प्यास लगेगी, तो उसके साथ में जो लिक्विड होगा वो लिक्विड लेगा। ठीक है जी। तो माय फ्रेंड, स्टार्टर फीड बहुत ज़रूरी है 90 दिनों तक या 120 दिनों तक। जब आपको लगे कि आपके डॉग का बॉडी वेट आपकी संतुष्ट नहीं है उसके बॉडी वेट ग्रोथ से, आप उसको तब तक स्टार्टर फीड दे सकते हो, कोई बुरा नहीं होता देना। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओवर फैट भी नहीं आपके डॉग की होनी चाहिए, डॉग ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। तो ये फीमेल है। अगर जर्मन शेफर्ड, एक और बात है, जर्मन शेफर्ड जैसे बड़े होते हैं ना, तो उनको उनके खाना अगर आप ऐसे हाइट में दोगे ना तो और भी बेटर उनकी वो एंगुलेशन शेप कह लो, क्वालिटी निखर कर सामने आती है। छोटा पप्पी अभी चलेगा, लेकिन जैसे ये बड़ा होता जाएगा तो आप स्टैंड वाला बाउल या स्टैंडिंग बाउल आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। हमारे वेबसाइट में चेक कीजिए, www.bholachola.com पर, वहाँ पर अवेलेबल है। आज हमारे पास साथ एक ऐसा मेहमान है जो इंडिया का वन ऑफ द फेवरेट ब्रीडों में से कहा जाता है, GSD जर्मन शेफर्ड। और अगेन मैं आपको कहता हूँ, जो मेरा तकिया कलाम कह लो, जो लगभग भालू की तरह दिखने वाला बच्चा, रोमन फेस उसको कहा जाता है मोस्टली फ्रेंड, जिसका मजल आगे को लंबा नहीं होता, ज़्यादा ठुका हुआ होता है और हेड ब्रॉड होता है और कान ऐसा लगो कि आपको दिखे ही नहीं जा रहा था कि इसके कान हैं कहाँ, इतने घने बाल हैं इसके। और ये वैरायटी अभी इस तरह की क्वालिटी स्टार्ट हो गई है, ज़्यादातर जब नियरली विंटर आता है और सर्दियों में आपको फिर जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी और आपको और बेटर टू बेटर क्वालिटी इस तरह की आपको मिलती रहेगी। वैसे एक बात मैं और ऐड कर दूँ, ये फीमेल है माई फ्रेंड। अगर फीमेल ही इतनी बढ़िया क्वालिटी की है डार्क कलर में, तो आपको दिखाएंगे इसके भाई कितने और बेटर हैं। बैक टू द टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे दिनों में थोड़ा मस्ती करो, यहाँ पर बार बार ये कमेंट आ रहे थे कि डाइट प्लान क्या है। वैसे हमारे लगभग 4 वीडियोस हैं कि पप्पी को, छोटे बच्चे को क्या खिलाना है, जैसे इस एज में क्या खिलाना है, इससे बड़ी एज में क्या खिलाना है। मैं फिर आपको दोबारा रिपाइंड कर रहा हूँ फ्रेंड, स्टार्टर फीड होती है। हर कंपनी 3 तरह की फीड बनाती है। एक होती है स्टार्टर, जो किसी भी ब्रीड को, हर एक, चाहे वो स्ट्रेट डॉग हो, चाहे वो मिक्स ब्रीड हो, चाहे वो कोई प्योर ब्रीड हो, उसको आप शुरू के 20 या कुछ 30 दिन के आसपास ब्रीड के हिसाब से, अगर बड़ी ब्रीड है तो तीसरे हफ्ते से आप चालू कर दो, अगर छोटी ब्रीड है तो चौथे हफ्ते से आप चालू कर दो। स्टार्टर फीड वो 12 हफ्ते तक, पहले 12 3 महीने तक, मोटा मोटी आप अंदाजा लगाओ 3 महीने तक देना बहुत ज़रूरी होता है। आफ्टर 3 मंथ फिर आप उसको पप्पी वाली फीड पर शिफ्ट कर दो। और तीसरी फीड होती है अडल्ट, जो कि हर ब्रीड का, छोटी ब्रीडों को 8 महीने के आसपास के बाद या 10 महीने के अडल्ट कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद अगले डॉग होते हैं मीडियम, उनको 10-12, और तीसरा जो जायंट ब्रीड कह लो उनको लगभग 18 महीने के बाद, तो तब अडल्ट फीड दी जाती है। हर कंपनी अडल्ट फीड बनाती है, जैसे कि ये ड्रूल कंपनी है, इसमें भी आपको हर तरह की फीड मिल जाएगी। जैसे कि अभी ये दिखाऊं, ये मेरे पास है, इसमें लिखा हुआ है स्टार्टर, ठीक है जी, ये हो गया ड्रूल का स्टार्टर। उसके बाद अगर मैं बात करूं RC रॉयल कैनन कहा जाती है, यहाँ भी स्टार्टर होता है।
यहाँ पर स्टार्टर की वैरायटी थोड़ी अलग है, रूल में भी अलग है, मीडियम स्मॉल आल ब्रीड के हिसाब से भी हैं। इनके पास भी है मिनी ब्रीड, जाइंट, मीडियम और अलग अलग कैटेगरी में। हर एक फीड के अलग अलग वैरायटी के हिसाब से अलग स्टार्टर भी आता है, पपी वाली फीड भी आती है और अडल्ट भी आती है। और अगर मैं बात करूँ पेडिग्री की, पेडिग्री का स्टार्टर के ऊपर लिखा होता है मदर एंड पप। इसी तरह स्मार्ट हार्ट के स्टार्टर के ऊपर भी लिखा हुआ होता है मदर एंड बेबी डॉग। तो ये जो फीड है माय फ्रेंड, ये स्टार्टर फीड में सबसे अधिक मात्रा में फैट और प्रोटीन होता है, इसीलिए ये डॉग को लगभग तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते से देना स्टार्ट करना चाहिए। और आपको ज़रूरी होता है कि डॉग को कम से कम 12 से 15 हफ्ते तक ज़रूर दो। अडल्ट फीड तो अलग है, लेकिन स्टार्टर जो हमेशा होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में फैट प्रोटीन होता है। जिस डॉग के भी आप कह लो कि डॉग ग्रो नहीं कर रहा, मोटा नहीं है, तगड़ा नहीं है, मेरे को कोई उसकी और हैवी बनाना है, तो आप उसको चाहे वो 15 महीने का है चाहे वो 8 महीने का है, तब भी आप स्टार्टर दे सकते हो। एक मैं आपको ये बता दूं कि छोटे डॉग की फीड बड़े डॉग को दी जा सकती है, बड़े डॉग की फीड छोटे को नहीं दी जा सकती। इस फीड के ऊपर पप्पी लिखा हुआ होता है, वो आप छोटे डॉग को अगर दोगे, जैसे कि उसकी एज मान लो तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, पांचवा हफ्ता है, तो उसमें फैट प्रोटीन कम होगा, डाइजेस्टिबिलिटी में प्रॉब्लम भी आ सकती, दिक्कत आ सकती है, और उसकी ग्रोथ भी उतनी नहीं होगी। क्योंकि इसमें मोस्टली क्या होता है, जो भी स्टार्टर होते हैं इसमें बहुत अधिक मात्रा में फैट प्रोटीन होता है। जैसे ये एंडी का स्टार्टर है, ये सबसे अधिक मात्रा प्रोटीन इसमें होता है, 35% इसमें प्रोटीन है। सबसे अगर मैं, या मेरे पास फीडें पड़ी हुई हैं, इसमें सबसे अधिक मात्रा में अगर मैं बात करूं तो इस फीड में प्रोटीन होता है। जॉइंट कैटेगरी का डॉग है तो फिर आप उसको स्ट्रांग वाली, अच्छी फैट प्रोटीन वाली फीड दोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और माय फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है इन सब दिनों में, जब शुरू का छोटे डेज में डॉग को डाइजेस्टिबिलिटी के लिए थोड़ा सा साथ में सपोर्टिव के लिए कोई भी आप डाइजेस्टिबिलिटी मेडिसिन देख सकते हो। हिमालया का डेजिटॉन या डेजिटॉन प्लस आता है, और भी कंपनियों का है, इंटास का, जाइमो, पटियाँ और भी आपके अलग अलग कंपनियों का है, तो वो एक ड्राई वाटर की तरह काम करता है। तो डॉग का स्पेशल साथ में डाइजेस्टिबिलिटी मेडिसिन जरूर देना चाहिए। और स्टार्टर फीड दी कब जाती है, ये दिन में 4 टाइम दी जाती है, सुबह 8 बजे के आसपास, फिर 12 बजे के आसपास, फिर 4 बजे के आसपास, और लास्ट और अंतिम खाना रात को 8 या 9 बजे के आसपास। रात को उठकर देने की आदत मत डालिए। डॉग का हमेशा जो खाने का बाउल है वो एक ही स्पॉट घर में एक ही किसी जगह पर होना चाहिए। ये ना हो कि कभी वो ड्राइंग रूम में है, कभी वो बेडरूम में है, कभी वो कहीं और है। नो, प्लीज़ एक ही जगह, ताकि डॉग हमारा शुरू से ही एक मैनर्स, बैलेंस, प्रोटोकॉल वाली लाइफ, शुरू से हम उसको ऐसा आदत डाल दें। तो अभी तो ये थोड़ा नटखट चल रहा है, तो जितना ये आपसे, जितना आप इनको डिसिप्लिन लाइफ दोगे ना माय फ्रेंड, उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। स्टार्टर फीड किसी भी कंपनी की फैट प्रोटीन के हिसाब से, आपके पास जो ब्रीड है, जैसे कि ये ब्रीड है, इसका बॉडी वेट बड़े आराम से अराउंड 30 kg के आसपास तो आराम से जाएगा, तो उसी हिसाब से फिर आप अगर डॉग फीड चूज करोगे तो जैसा ये अभी हैवी बच्चा है तो आगे जाकर और हैवी ऐसे ही बना रहेगा, राइट। ये जर्मन शेफर्ड बहुत भोले होते हैं माय फ्रेंड, और इनको हैवी बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इस ब्रीड में तो कैल्शियम का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम मल्टीविटामिन भी आप स्टार्टर फीड के साथ दे सकते हो। स्टार्टर फीड मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 दिन तक माय फ्रेंड, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन दो ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग, क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। होला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।